इससे पहले आप दूसरी और तीसरी किस्त में आप यही मंजर आप देख चुके थे। अब हम यानी सैटरडे को आए हैं यहाँ पर म्यूज़ियम वगैरह देखने के लिए। यहाँ आज फीस फ्री है इसकी, इसलिए शाम का 4 बजे का वक्त हुआ है और सामने आप ये मंजर देख रहे हैं। कैटालोनिया सेंटर है और यहाँ पर यानी गोल दायरे में बनी हुई जो शॉपिंग मॉल है और इसके साथ ये कुछ स्टेचू बने हुए हैं। ये कैटालोनिया इसका मेन सेंटर है। यहाँ हम पहुँच गए हैं अब इस म्यूज़ियम को देखने के लिए। आज हम इस म्यूज़ियम की तरफ जाएंगे जो आपको पूरा अंदर का मंजर अगली किस्त में दिखाएंगे। तो मैं सुरेश से ये बात कहना चाहता हूँ कि अपने यानी जो हॉस्टल है कमरे से हम तकरीबन शाम के 5 बजे वहाँ से निकले हैं। आधे घंटे का ये टाइम हम मेट्रो बस में सवार होकर यहाँ पहुँचे हैं। अब तकरीबन 5:30 का टाइम और शाम का टाइम हो गया है कि यानी ये कौन सी जगह है और इस जगह का नाम क्या है ये बराए मेहरबानी करके यानी नाज़रीन को बताएं ताकि उनको पता लगे कि बार्सिलोना में इस जगह का नाम क्या है। अच्छा, तो बेसिकली जो है वो ये जो जगह जो सर बता रहे हैं, तो अभी हम अपने घर से आए हैं। जो हमारा जो घर है बेसिकली वो एरिया कहलाता है हॉस्पिटल दे योब्रेगा। तो वहाँ से हम एक बस में आए हैं और उस बस का नाम था D20। आप सबको इसलिए बता रहे हैं ताकि अगर इन फ्यूचर अगर इन केस अगर आप यहाँ आते हैं और इसी तरह से किसी सिमिलर एरिया में अगर कहीं आप रेजिडेंस करते हैं तो फिर वहाँ से आप D20 में चढ़ेंगे। और अभी थोड़ी देर पहले आपके क्लिप में भी दिखाया गया होगा, तो पिलर्स नज़र आ रहे होंगे, तो ये उस पॉइंट की एक सिंबल है, प्लासा इस्पानिया कहते हैं इसको। तो प्लासा इस्पानिया तक पहुँचने के बाद जो है ये सामने ही हम मंजर देख सकते हैं। मेरे ख्याल से सर आप शायद दिखा सकते होंगे यहाँ ये मैजिक फाउंटेन चल रहा है। तो ये आप अभी फाउंटेन शायद नज़र ना आ रहा हो लेकिन ये एक बिल्डिंग आपको पुरानी सी नज़र आ रही है। इसका नाम है मोंजुइक दे बार्सिलोना। इसको दो तरह से नाम इसको नेमिंग करते हैं लोग, कॉल करते हैं पास दे मोंजुइक भी कहते हैं और इसको कहते हैं प्लासा दे मोंजुइक। ये एक बड़ा हिस्टोरिकल पॉइंट है, ये भी 18th और 17th century का बना हुआ है और इसके अंदर एक म्यूज़ियम भी है जो कैटालोनिया में आर्ट्स के हवाले से जो चीज़ें बनती थी, तो एक आर्ट्स म्यूज़ियम भी है इसके अंदर। जो इस वक्त आज जिस वक्त हम आए हैं, आज का दिन सैटरडे और तकरीबन मेरे ख्याल से 4:30 हुए इस वक्त, आज फ्री है, एंट्री फ्री है आज इसकी। सैटरडे के दिन जो है आप 3 बजे से 3 PM के बाद जो यहाँ एंट्री फ्री होती है, तो आप सब लोग आ सकते हैं विदाउट एनी टिकट, विदाउट एनी कॉस्ट, आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ये प्लेस जो है घूम सकते हैं, इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको जो पूछना हो पूछ सकते हैं मुझसे। बस मेन पॉइंट के बारे में तो आपने बता दिया, फर्दर अंदर चल के फर्दर यानी जो इस माउंटेन का म्यूजिक जो पॉइंट है और ये फाउंटेन मैजिक चल रहा है इसका, यानी जैसे नज़दीक जाएंगे तो और इसका मंजर आपको अच्छा लगेगा। Come on, 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 come on